फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो आज सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मुझे जो है यस आज का मौसम कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सुबह से हवा चल रही है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। सो फ्रेंड्स, आज मुझे जाना है हीमोग्लोबिन और OGTT के टेस्ट के लिए। सो मुझे जो है खाली पेट ही जाना है, तो मैं आदू के साथ जा रही हूँ। आदू मेरे साथ चलोगे हॉस्पिटल? सो फ्रेंड्स, देखिए मौसम तो सच में बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन ठंडी भी लग रही है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आज। हीमोग्लोबिन का टेस्ट और OGTT में क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो तब तक बने रहें। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ और बारिश, आप देखिए बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंजेक्शन लगवा के आ चुकी हूँ, 2 बार इंजेक्शन लग चुका है और अब जो है मुझे 2 बार और सैंपल देना है। और ये है ग्लूकोज। सो यहाँ पे ग्लूकोज का 25% जो होता है ना, 1 लीटर पानी में अभी मुझे पीना पड़ेगा और उसके बाद फिर मुझे 1 घंटे बाद पीने के बाद जाना पड़ेगा और उसे लेने के बाद फिर 1 घंटे बाद जो है फिर सैंपल देंगे हम लोग ब्लड का। सो बस बहुत दर्द हुआ इंजेक्शन लगाने में, अभी 2 बार और बाकी है तो अभी मैं इसको पीऊँगी। सो उसके पहले आदू को ब्रश करा के कुछ ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, मुझे तो अभी कुछ भी नहीं खाना है। सो चलिए इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। जो OGTT का जो टेस्ट होता है ना, ये शुगर टेस्ट होता है। सो ये अभी मेरा 6 मंथ पे लिया जा रहा है और हीमोग्लोबिन भी देखा जाएगा। चलिए पहले नाश्ता बनाती हूँ, फिर अपने लिए ग्लूकोज घोल के मुझे पीना है और उल्टी नहीं होना चाहिए। अगर उल्टी हो गया तो फिर मेरा आज जो टेस्ट है वो नहीं लिया जाएगा। सो मैं कोशिश करूँगी कि पीने के बाद वॉमिटिंग ना हो, अदरवाइज़ फिर से मुझे कल इंजेक्शन लेने के लिए फिर जाना पड़ेगा। आदमी जो है ब्रेकफास्ट खा रहा है, मैंने सिंपल सा टोस्ट और उसको दूध दिया है बिकॉज मुझे वापस फिर से जाना है। तो और सच में बताऊँ तो पीने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज कल भी मुझे शाम को लूज़ मोशन 6 से 7 बार हो चुका है और वॉमिटिंग पता नहीं क्यों अचानक से, मेरी तबीयत कल बहुत ख़राब हो गई थी। सो आज ही के दिन डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये टेस्ट करवाना है, तो पी के कोशिश करती हूँ कि थोड़ा लेट जाऊँ ताकि वॉमिटिंग ना हो। मुझे डर लग रहा है कि बस वॉमिटिंग ना हो जाए। सो 1 लीटर पीना है मुझे, ये तो सिर्फ पहला ग्लास है स्टार्टिंग। होपफुली मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई। उस मम्मा को इंजेक्शन लग चुका ना आदू, और मम्मा कैसे बोली थी इंजेक्शन लगने पे? यस, तो फिर से 1 घंटे बाद मुझे आना है, अभी भी मुझे कुछ नहीं खाना है, उसके बाद फिर 1 इंजेक्शन लगेगा, है ना आदू? देखो मम्मा। सो फिर से इंजेक्शन लेने के लिए मुझे ग्लूकोज पी के 1 घंटे बाद जाना था, तो मैं गई तो कुछ टाइम बचा हुआ था 1 घंटे में। तो आदू जो है वहाँ पे एक्वेरियम रखा हुआ था, उसे देखकर बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था, तो थोड़ा टाइम वो उसमें एंगेज रहा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है मैंने शूट किया था मंडे को, बट थोड़ी मेरी तबीयत जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से इसको मैं लेट से अपलोड कर रही हूँ। सो आद्विक जो है फिश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इस तरह से लास्ट वाला इंजेक्शन आदमी बोल रहा था कि मैं लगाऊंगा। सो फाइनली जो है सारे इंजेक्शन लगाना जो हुआ कंप्लीट।